झारखंड के जमशेदपुर के कपाली में महिलाओं के लिए बनाई जा रही देश की पहली मस्जिद का निर्माण कार्य इस साल के अंत तक पूरा हो जाएगा। इस मस्जिद में इमाम से लेकर दरबान तक महिलाएं होंगी और वही इसका रखरखाव भी करेंगी। इस मस्जिद के निर्माण से पहले ही कई मुस्लिम पक्षकारों ने इसका विरोध किया है। उनका कहना है कि मस्जिद में महिलाएं जा सकती हैं, लेकिन इमाम एक पुरुष ही होना चाहिए। मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि महिलाएं नमाज और इबादत एक साथ कर सकती हैं, लेकिन महिला इमाम नहीं बन सकती। उनका कहना है कि महिलाओं को ऐसा करने का हक नहीं है। उनके अनुसार सिर्फ पुरुष ही नमाज पढ़ा सकते हैं। इस बात को छोड़ दिया जाए तो शहर के ज्यादातर उलेमाओं ने मस्जिद बनाने के फैसले का स्वागत किया है। महिला कभी भी इमाम नहीं हो सकती है। जब भी इमाम होगा तो वो पुरुष ही होगा और खुद प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन में आप खुद इमाम थे। आपके पीछे पुरुष सफ लगाते थे, उसके बाद बच्चे लगाते थे, उसके बाद महिलाएं लगाती थी। और नमाज जब ख़त्म हो जाती थी तो पहले महिलाएं निकलती थी ताकि वो एकांत में वो निकल जाएं। उसके बाद पुरुष और बच्चे ठहरे रहते थे, मर्द और बच्चे, तब वो बाद में निकलते थे। महिलाएं इमाम बन सकती हैं या केवल महिला इमाम नहीं बन सकती है। ये खुद इस्लाम का बनाया हुआ उसूल है, मेरा बनाया हुआ उसूल नहीं है। औरत कभी भी इमाम नहीं हो सकती है, वो नमाज नहीं पढ़ा सकती है। वो मर्द के पीछे नमाज पढ़ेगी, औरत इमाम नहीं हो सकती है। तो ये जो मस्जिद में हो रहा है ये गलत है? हाँ, ये गलत है। ये एक व्यक्ति विशेष का अपने तौर पर बनाई जाने वाली मस्जिद है। और आप देखेंगे कि इस मस्जिद का भी खुद शिया मसले की तरफ से विरोध होगा, जो कि अभी जानकारी नहीं है लोगों को। वहीं इस पूरे मामले पर मौलाना आजाद कॉलेज से जुड़ी शिक्षाविद गुल फराह का कहना है कि इस्लाम में कहीं भी महिलाओं को मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना वर्जित नहीं है, लेकिन महिलाएं मस्जिद में नमाज पुरुषों के दिशा निर्देश में ही पढ़ सकती हैं। इमाम का काम मस्जिदों में पुरुष ही करते हैं, यही सदियों से इस्लाम में चलता आ रहा है। समाज में बहुत गलत मैसेज जाएगा क्योंकि औरतें इमामत नहीं कर सकती हैं। इमामत जो है मर्द ही कर सकते हैं और उन्हीं के अंडर में, सुपरविज़न में जो है नमाज औरतें पढ़ सकती हैं। औरतों का जो है मस्जिदों में जाना वर्जित नहीं है, वो मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ सकती हैं, लेकिन मर्द के इसी में दिशा निर्देश में ही पढ़ सकती। इमामत जो है वो मर्द ही करेंगे। तो क्या ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अन्य मस्जिदों में महिलाओं को उस तरीके से आज़ादी नहीं मिल पा रही उनके अनुष्ठान को करने के? ये जो भी कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, इससे समाज में गलत मैसेज जाएगा। और हम लोगों को जो भी प्रोसेस है, जो भी प्रक्रिया है, वो अपने इस्लाम के हिसाब से ही चलना चाहिए और गलत मैसेज समाज में नहीं देना चाहिए। महिलाएँ इमाम बन सकती है यानी पुरुषों का प्रवेश वर्जित होना कहाँ तक सही है? पुरुषों का प्रवेश वर्जित होना ठीक है, किया जा सकता है, लेकिन औरतें इमामत नहीं कर सकती हैं, उसमें मर्द को तो इमामत करना ही पड़ेगा। कपाली ताजनगर में डॉक्टर नूर जम्मा पिछले कई सालों से महिलाओं के लिए मदरसा संचालित कर रहे हैं। यहां 25 से ज्यादा महिलाएं दीनी और दुनियावी तालीम हासिल कर रही हैं। डॉक्टर नूर जम्मा ने ही एक नई पहल की, देश का पहला ऐसा मस्जिद बनाने की जहाँ महिलाएं नमाज पढ़ सकेंगी। कि बहुत ज़माने से ही मेरे दिमाग में बात खटकती थी कि औरतों को मस्जिदों में नहीं आने दिया जाता है नमाज के लिए, ऐसा क्यों है? तो हमने स्टडी करना शुरू किया तो हदीस की एक बहुत मशहूर किताब है अबू दाऊद शरीफ, और एक बहुत मशहूर किताब है मुसनद इमाम अहमद बिन हम्बल, उसमें हमने पढ़ा कि हमारे प्रोफेट हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मदीना शरीफ के एक कस्बे में एक मस्जिद थी जहाँ एक खातून नमाज पढ़ाती थी, इमामत करती थी। वह अंसारिया खातून थी, कुरान उनको बहुत अच्छा हिफ्ज था, याद था, और बहुत अच्छी क़िरत उनकी थी, अच्छी आवाज़ थी। उम्मे वरका उनका नाम था, हज़रत उम्मे वरका रज़ियल्लाहु अन्हा, वो नमाज पढ़ाती थी। रसूल करीम के ज़माने में भी नमाज पढ़ाती रहीं। जब प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया तो पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में भी उन्होंने नमाज पढ़ाया। जब वो इंतकाल कर गए, डेथ कर गए, तो उमर फ़ारूक के ज़माने में भी वो नमाज पढ़ाती रहीं। फिर एक वक्त ऐसा गया था उमर फ़ारूक वो इंतकाल कर गईं, जब वो खातून उम्मे वरका रज़ियल्लाहु अन्हा इंतकाल कर गईं, पर्दा कर गईं, तो बाद में फिर उसमें मर्द इमाम रख दिया गया और वो सिलसिला ख़त्म हो गया। फिर एक वक्त आया कि हज़रत उमर फ़ारूक के ज़माने में जब
बहुत दूर दूर तक इस्लाम फैल गया, ईरान, इराक, शाम, मिस्र, हलब, दूर दूर तक। तो लोग दारुल खिलाफा यानी राजधानी कैपिटल मदीना शरीफ था, तो लोग 50 आदमी आ रहे हैं, 500 आदमी आ रहे हैं, 5000 आदमी आ रहे हैं, चलो खलीफा से मिलने। तो मदीना मस्जिद में जगह तंग हो गई, वहीं लोग आते थे बाहर से, तो वहीं रात को सोते थे और खाने पीने का इंतज़ाम होता था। तो हज़रत उमर फारूक ने रोक दिया कि भैया तुम लोग अपने घर में नमाज़ पढ़ दिया करो, इससे यहाँ का बाहर बाहर से सब डेलीगेशन आ रहा है, वफद आ रहा है, अब यहाँ पर जगह कम हो गई है, आपस में फितना फसाद होगा। तो उन्होंने रोक दिया, मना कर दिया। वो सिलसिला आज तक चला आ रहा है। अब दिमाग हमारे मौलवियों के दिमाग में घुस गया है कि उमर फारूक ने मना किया। अरे क्यों मना किया, समझना चाहिए। अब को एडुकेशन का ज़माना है, आजकल लड़कियां इंजीनियरिंग कर रही हैं, मेडिकल कर रही हैं, को एडुकेशन में वो नर्सरी से लेकर के ग्रेजुएशन कर रही हैं, पीजी कर रही हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, कॉलेज में पढ़ रही हैं। तो अब माहौल बदल चुका है, है? अब लड़कियों को एजुकेशन कैसे होगा, वो नमाज कैसे पढ़ेंगी। को एडुकेशन करने की जरूरत की इजाज़त है, सरीमा देखने की इजाज़त है, बाज़ार में मार्केटिंग करने की इजाज़त है, लेकिन मस्जिद में पाक साफ़ हो करके, नहा धो करके, अच्छा कपड़ा पहन करके और पर्दे के साथ आकर के नमाज पढ़ना मना है। तो ये मेरे बात में जहन में आया कि नहीं, एक मस्जिद एक नमाजगाह इबादतगाह बननी चाहिए। इस मस्जिद में पुरुषों के प्रवेश पर रोक रहेगी और यहाँ 500 महिलाएं एक साथ नमाज अदा कर सकेंगी। इस मस्जिद की तामीर से क्षेत्र की महिलाओं में खुशी की लहर नजर आ रही है। महिलाओं का कहना है कि अब तक वो लोग अपनी इबादत घर की चारदीवारी में कैद होकर कर रही थी, लेकिन अब जल्दी ही वो भी मस्जिद जाकर जमात के साथ नमाज अदा करेंगी, जिसके लिए सबने डॉक्टर नूर जमा का शुक्रिया अदा किया। कुल मिलाकर महिलाओं के लिए बन रही मस्जिद पर सभी अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कुछ लोग महिलाओं के इमाम बनने के खिलाफ हैं, तो ज्यादातर उनके एक साथ नमाज पढ़ने वाले फैसले के समर्थन में दिख रहे हैं।